हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है एक ही एग्जाम टॉपर में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और अच्छी भर्ती लेके आया हूँ, 10वीं 12वीं और डिप्लोमा वाले स्टूडेंटों के लिए। और काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं, आपको बता दूँ। ये लिमिटेड कंपनी है, इसमें आपको परमानेंट नौकरी दी जाएगी। भारत का कोई भी स्टूडेंट, ऑल इंडियन भर्ती है, भारत का कोई भी स्टूडेंट इसमें आवेदन कर सकता है। तो दोस्तों, NCL रिक्वायरमेंट 2020 के अनुसार इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आवेदन प्रक्रिया बहुत जल्दी होने वाली है। इसका आप चाहे तो नोटिफिकेशन हिंदी या इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं। मैं आपको इसकी ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक नीचे प्रोवाइड करवा दूंगा, जहां से आप सभी NCL के नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इसी दौरान। तो दोस्तों, इसमें महिला और ऑल इंडियन स्टूडेंट आवेदन करेंगे, ऑनलाइन प्रक्रिया होगी, ऑनलाइन इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें टेक्निकल लेवल की पोस्टें हैं और इसमें JR टेक्निकल फोटोग्राफर्स की पोस्टें हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसी हैं दोस्तों आप सभी के लिए। अगर आप इसमें योग्य हैं या फिर आवेदन करना चाहते हैं तो 10वीं 12वीं डिप्लोमा वाले स्टूडेंट इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार न्यू विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ कर लीजिए एक ही एग्जाम टॉपर को सब्सक्राइब, साथ ही दबा लीजिए बेल आइकन को ऑन, कर लीजिए बेल आइकन को ऑन, ताकि आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी दौरान दोस्तों, अगर आप लोगों के पास किसी प्रकार की कोई वैकेंसी के बारे में सूचना प्राप्त करनी है, या चाहे गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, किसी भी प्रकार की छोटी या बड़ी किसी भी वैकेंसी को अपडेट रहना है तो हमसे जुड़े रहें। हम आपको, आप लोगों के लिए छोटी या बड़ी किसी प्रकार की वैकेंसी होगी, आपको हम अपडेट करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की नोटिफिकेशन के ऊपर हम बात करते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने देखा है इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन, हमने यहाँ से देखिए, मैं आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए भी दिखा सकता हूँ और आप खुद स्वयं भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप स्वयं इसे डाउनलोड करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बस मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताने वाला हूँ। जैसे कि दोस्तों हम बात कर रहे थे, इसके अंदर NCL भारतीय नागरिक सेवा के पैरामेडिकल के अनुसार ये अधिसूचना जारी हुई है और ये रोजगार सूचना के अनुसार यहाँ पे आप देख सकते हैं पैरामेडिकल स्टोर, ये 25 जनवरी 2001 को पब्लिक ही जारी हो चुका था। पद न्यूनतम और विभिन्न पदों की न्यूनतम आवश्यकता, योग्यता और विभिन्न के अनुसार यहाँ पे पदों का विवरण दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे हमने NPCL की बात की, NCPL की बात की है, इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले क्वालिफिकेशन 10वीं उत्तीर्ण या फिर ए ग्रेड के अनुसार नर्सिंग डिप्लोमा होना जरूरी है। उसी दौरान 10वीं में विज्ञान वर्ग के या उत्तीर्ण वर्ग के स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं। पोस्टों की संख्या आप इधर देख सकते हैं, SC ST कैटेगरी, OBC जो भी आपकी कैटेगरीज है उसके अनुसार यहाँ पे देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ दो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, 10वीं 12वीं और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट। ऑनलाइन पंजीकरण और फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि इसकी 10 मार्च है, 10 मार्च से पहले आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आप इसमें आवेदन करेंगे तो रोजगार अधिसूचना महत्वपूर्ण तिथि के रूप में अधिसूचना की तालिका दर्शाई गई है। और इसमें आपको बता दें, योग्यता के अनुसार इसमें आप 10 मार्च से पहले आवेदन कर सकते हैं। अब बात ये होगी कि दोस्तों, अगर इसमें आप आवेदन करते हैं तो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या होगी और आवेदन कब से शुरू होने वाले हैं, इसके ऊपर भी हम जरा सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों हम इसके एप्लीकेशन की फ़ीस की बात करें तो दोस्तों आपको बता दें, क्योंकि इसमें सबसे पहले तो आप OBC और जनरल कैटेगरीज की, क्योंकि इसमें SC और ST कैटेगरीज को कोई पेमेंट नहीं देना होगा, जबकि जनरल और OBC कैटेगरीज के लिए ₹500 शुल्क होगा। और साथ ही यहाँ पे आयु सीमा की भी बात करें तो दोस्तों, आयु सीमा यहाँ पे करीबन 18 से 30 वर्ष और SC ST को और OBC को अन्य पिछड़ा वर्गों को नियमानुसार छूट भी दी जाएगी। तो इसी दौरान आप देख सकते हैं 3 साल 5 साल और जो PWD क्षेत्र में आते हैं उनके लिए 13 साल तक की छूट दी जाएगी। इसी दौरान दोस्तों आगे हम देखें शुल्क की, हमने बात की थी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आरक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनके लिए ₹500 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और PWD पूर्व सैनिक विभाग के, यानी कि कोई शुल्क देना नहीं होगा।
इसी दौरान आप इसमें आवेदन कीजिएगा। ऑनलाइन प्रक्रिया है, ऑनलाइन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। 29 पेज का ये फॉर्म है या PDF है, इसकी जानकारी प्राप्त करनी है तो इसका लिंक आपको नीचे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जहाँ से आप आसानी से जान सकते हैं और इसके बारे में पता कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। फिर एक न्यू भर्ती के साथ शुरुआत करेंगे। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।